नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिले में चल रही है सुशासन अभियान के तहत शहर के नए बस स्टैंड के समीप बनाए गए अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कॉम्प्लेक्स की कुल 9 दुकानों को प्रशासन की जेसीबी से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही में एसडीएम घनश्याम धनगर व नगर पालिका प्रशासन सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय थाना गुंडा आकाश ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध है, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के समस्त जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन के तत्वावधान में पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के द्वारा जिले के समस्त गुंडे बदमाशों की एक सूची तैयार कर अवैध रूप शासकीय भूमि पर कब्जा करके कमाई कर रहे थे, जिनके नामों की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराई गई है। इसी के तहत बस स्टैंड पर थाना गुंडे बदमाश आकाश ठाकुर के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करके कॉम्प्लेक्स बनाकर कुल 9 दुकानें संचालित की गई थी, जो पूर्ण रूप से अवैध की श्रेणी के अंतर्गत है। प्रशासन के द्वारा दस्तावेज पेश करने के लिए एक दिन का समय भी दिया गया, लेकिन कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके चलते प्रशासन की ओर से यह कार्यवाही की गई। बस स्टैंड पर बने कॉम्प्लेक्स पर क्या कार्रवाई की गई? बड़वानी में बस स्टैंड पर कॉम्प्लेक्स जो कि अजय ठाकुर नामक व्यक्ति का था, अवैध रूप से बना हुआ था, जिसको जांच उपरांत आज डिसमेंटल किया गया है। शासकीय अनुमानित लागत कितनी होगी? इसकी कलेक्टर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगभग 3 करोड़ में भी बनती है। क्या पूर्व में भी किसी प्रकार का मामला उन पर दर्ज है अपराध का? नहीं, ऐसा कोई उनके द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किया गया। सर, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, हमारी टीम सतत रूप से निरीक्षण कर रही है, और जहाँ भी ऐसा कहीं अवैध रूप से कोई बिल्डिंग या कुछ अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।